प्रिपरेशन है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल प्रिपरेशन है, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है साफ करने का। और ये भैया ने तो घी हमें ऐसे दे दिया जैसे फैक्ट्री है यहाँ पे, ये देखो। तो थोड़ा सा और डालेंगे घी, ये देखिए मज़ेदार। ये सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पे दाल की तैयारी हो रही है। मिट्टी का ये चूल्हा बनाया गया और गोबर के उपलों के ऊपर ही ये दाल चढ़ाई जाएगी। हम लोग को पीसेंगे नहीं, चटनी पीसेंगे तो तुम लोग को हमको खिलाएंगे। देखो स्टफिंग देखो भाई क्या आवाज है। फिर से इसमें डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। तो दोस्तों स्वागत है आपका बनारस की एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हम खाने वाले हैं बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा। जी हाँ, ये ऐसा जायका है जो कि बिहार से बनारस में आया है और यहीं पे बस के रह गया है। तो आपको प्रिपरेशन दिखाएंगे, थाली कैसी होती है, क्या क्या सब्जियाँ वगैरह आती है उसमें वो दिखाएंगे, प्रॉपर टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना और बनारस की सारी वीडियोज़ आप ज़रूर देखना, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे बाटी तैयार हो रही है। ट्रेडिशनली जो बाटी है उसे गेहूं के या फिर सत्तू के आटे के साथ बनाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोबर के उपलों के ऊपर इसको सेका जा रहा है, बारी बारी इसे घुमाया जाता है ताकि हर तरफ से इसे अच्छे से सेक मिल जाए और कहीं से भी कच्चा ना रह जाए। तो बाटी जो है वो हल्की हल्की सिकने के बाद इसको राख से पूरा ढक दिया गया है। अब इसमें ये प्रॉपरली तैयार होगी। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जो इनकी प्रिपरेशन है बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल प्रिपरेशन है जो बहुत बरसों से चलती आ रही है। जो भी यूपी के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो तो इस प्रोसेस से पूरा वाकफियत होंगे कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। हमारे लिए नई चीज़ है और ये पहली बार होगा कि मैं लिट्टी चोखा आज ट्राई करूँगा। ये देखिए बारी बारी इसमें से लिट्टी बोलते हैं ना इसको के बाटी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो लगभग ये लिट्टी जो है हमारी तैयार हो गई है। तो इसको अलग कर रहे हैं अभी भैया और इसको साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाएंगे अभी कि किस तरह से इसको साफ किया जाता है। अब इसको साफ़ किया जाएगा। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है साफ़ करने का। ये देखिए लिट्टियों को ये एक बोरे में डाल रहे हैं। ये देखिए अब देखिए साफ, बिल्कुल साफ होके निकल गई है। क्या बात है, मज़ेदार। देखा तो दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं इनके रेस्टोरेंट में और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है। सिटिंग एम्बियंस ये देख सकते हैं आप, पूरा एक गांव का फीलिंग दे रहा है। अ बिट फैंसी टेबल्स बट लाइटिंग वगैरह ये सारा कुछ जो है बहुत ट्रेडिशनल है। तो एक रेस्टोरेंट वो था जो आपको पहले दिखाया, वो इनका नीचे है, ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका प्रॉपरली एक गांव का माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है। सिटिंग भी इसके नीचे रहेगी। राजस्थान में हम जब भी कोई अच्छी जगह जाते हैं, थाली वाली जहाँ मिलती हो, तो वहाँ पे कुछ इस तरह से सिटिंग रहती है। बिल्कुल ट्रेडिशनल 100-200 साल पुराना जो सेटअप रहता है बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ये देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही ग्रेसफुली इसको डिज़ाइन किया गया है।
मतलब फीलिंग हो रही है कि आप एक किसी गांव में हो। तो ये सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पे दाल की तैयारी हो रही है। मिट्टी का ये चूल्हा बनाया गया है और गोबर के उपलों के ऊपर ही ये दाल चढ़ाई जाएगी इन हांडियों में। इसमें देखिए अरहर की दाल है, नमक है, हल्दी है, लहसुन के ये जाएंगे छल्ले पूरे, ये देखिए सरसों का तेल है और ये गुड़ भी जाता है इसमें। ये बहुत यूनिक चीज़ लगी मुझे कि अरहर की दाल इसमें पकाई जाएगी जिसमें गुड़ भी जाएगा, तो उससे क्या टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे बनाने की तैयारी में है पूरे। ये देखिए लहसुन डल गया पूरा। देखिए लहसुन आपने साबुत ही डाल दिया इसमें, है ना। ये देखो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके मिक्स करके फिर इसमें डाला जाएगा। जस्ट लाइक मैरिनेशन। ये देखिए गर्म पानी में अब इन्होंने दाल चढ़ाना शुरू कर दिया। कितनी देर लगेगी इसको पकने में? एक घंटा। दो घंटे लगेंगे। ये देखिए तो इसमें आपको कैसे पता लगता है कि दाल पक गई है? सीटीवीटी वाला चक्कर तो है नहीं इसमें। खोल के दिखाई ना। हाँ से खोल के दिखाओ करला पका कि नहीं पका। ये देखिए यहाँ पे इस मशीन पे सरसों का तेल निकाला जाता है। ये देखिए ये सरसों है, ड्राई सरसों, और ये पिस्ता जाएगा इसमें और इसमें से तेल निकलेगा, निकलना चालू हो जाएगा। अब ये देखिए ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है हल्दी पीसने का। ये देखिए इसमें हल्दी की पिसाई होती है। ये देखिए विकास भाई ये रोज़ सुबह यहाँ पे 10 बजे आते हैं, 2 घंटे हल्दी पीसते हैं। अच्छा अब यहाँ पे चटनी पिसाई हो रही है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, सिलवट्टे के ऊपर इसको पीसी जाएगी। इसमें क्या क्या है? मिर्च है, अदरक है, मिर्च है, टमाटर भी जाएगा और वो धनिया है, धनिया भी जाएगा। सिलवट्टे के ऊपर चटनी जो बनती है ना उसका स्वाद जो है ना वो मैच नहीं किया जा सकता। आप जितनी मर्ज़ी मशीनों में चटनी पीस लें पर जो सिलवट्टे पे ख़ास टेस्ट आता है ना। हम लोग को पीसेंगे नहीं, चटनी पीसेंगे तो तुम लोग को हमको खिलाएंगे। हाँ ना वो बिल्कुल ये मज़ेदार टेस्ट आता है, किक आती है उसमें, एक पंच आता है। चलो ये राइस, ये हमारे यहाँ की स्पेशल खीर। अच्छा खीर भी है? स्पेशल खीर, सही है। और एक पनीर की बाटी, सत्तू की बाटी, पनीर की बाटी, सत्तू की बाटी, ठीक है भाई। ये है हमारी कंप्लीट थाली, ये देखो बहुत बढ़िया लग रही है। और देसी घी की सारी प्रिपरेशन है, 2 तरह की इसमें बाटी है, ठीक है। ये रही सत्तू की और ये रही पनीर की। अभी तो बहुत गर्म है, इसको हम खोलेंगे और देसी घी। ये देखिए ये है सत्तू की बाटी। ओए होए होए होए, ये देखिए गर्मा गर्म। अब इसके ऊपर डालेंगे घी। ये देखिए मज़ेदार। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये जो स्पेशलिटी है ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम लेंगे थोड़ी सी ये चटनी और साथ में दाल के साथ पहलाने वाला। बढ़िया यार, मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं खाई है फ्रैंकली। थोड़ा ड्राई है लेकिन जब आप दाल के साथ खाते हैं ना, ओहो हो क्या टेस्ट आता है।
और ये भैया ने तो घी हमें ऐसे दे दिया जैसे फैक्ट्री है यहाँ पे, ये देखो। तो थोड़ा सा और डालेंगे घी। और ये है देखिए चोखा इनका, ये होता है भरथे का, ये देखिए भाई साहब। शानदार यार, मज़ा आ गया। जिस होल कॉम्बिनेशन ना, मुझे लग रहा बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये पनीर वाली जो बाटी है ना, उसको खोल के एक बार देखते हैं उसकी स्टफिंग कैसी है, ठीक है। उजरी गरम बहुत है, हाई ओह क्या आवाज़ है। देखो स्टफिंग देखो भाई, फिर से इसमें डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। ओए होए होए होए, देख रहे हो स्टफिंग देखो भाई, ओए होए होए, क्या अनोखा जायका है यार इसको। ये पहले ये देखिए टमाटर की चटनी, ओ वाह। पनीर की जो है ना ये बाटी, ये बिल्कुल अलग है सत्तू है। सत्तू जैसे थोड़ी सी ड्राई थी, जो पनीर वाली है थोड़ी मॉइस्ट है। और अल्टीमेट स्वाद यार। खीर भैया दे गए थे, कहते यार खीर ज़रूर ट्राई करना, रहा नहीं जा रहा मुझसे, मैं थोड़ी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओह समथिंग स्पेशल इज हियर भाई साहब, ये अनबिलीवेबल अमेजिंग मील जो है ना, इसको इंजॉय करने के लिए आपको आना पड़ेगा बाटी चोखा रेस्टोरेंट। ये है राजा बाज़ार, ठीक है। सबसे पुराना जो रेस्टोरेंट है ना वो यही है, तो इसको अब हम मज़े से इंजॉय करते हैं, ठीक है। और मिलेंगे आपको अगली बार। ये देखिए भाई क्लोज़अप देखिए, इसका क्लोज़अप लो, क्लोज़अप लो। ये डालते हैं, ये देखो थोड़ी सी चटनी और देखो थोड़ा सा और घी, क्या बात है दाल के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे। मिलेंगे आपको जल्दी अगली वीडियो में।